Hey guys, what's up? My name is Tez. I work on a cruise ship and welcome to my YouTube channel about cruise job information. So guys, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्रूज शिप के लिए कैसे अप्लाई करना है और उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए. सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, सो डोंट मिस दिस वीडियो. सबसे पहले होटल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्रूज शिप ज्वाइन करने से पहले. सेकेंड, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई मेरे पास होटल मैनेजमेंट नहीं है तो क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ. यस ऑफ कोर्स आप भी ज्वाइन कर सकते हो, बट मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी 5 स्टार 4 स्टार होटल का. सेम यही चीज़ लागू होती है जिसके पास होटल मैनेजमेंट होता है, कंपनी उससे भी एक्सपीरियंस मांगती है मिनिमम 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. बट इट डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी. कोई कंपनी 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगती है तो कोई कंपनी 2 ईयर मांगती है. थर्ड, एज लिमिट. एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 होनी चाहिए एज लिमिट और मैक्सिमम 30 से पहले आप ज्वाइन कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा स्कोप है, कंपनी जल्दी हायर कर लेती है. 30 के बाद भी आते हैं लोग बाग, बट वो अपर पोजिशन में आते हैं, बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्रूज शिप 30 के बाद किसी को हायर करें. इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप किसी भी एजेंसी में जा सकते हो मुंबई और वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आप गूगल में डालोगे क्रूज एजेंसी इन मुंबई तो सारी एजेंसी हो जाती है उसमें, A to Z, हिरेन इंटरनेशनल, RCM मुंबई, कार्निवल, इंडस, कामाक्षी, एयरबॉर्न, ये सारी एजेंसी में जाके आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस किसी भी होटल में हुआ है तो. अभी सारी जितनी भी एजेंसी हैं सभी ऑनलाइन ही अप्लाई करने को बोलती हैं, बट समटाइम्स वर्कर इंटरव्यू भी होते हैं तो आप वर्कर इंटरव्यू भी एजेंसी में जाके पता कर सकते हो कि वर्कर इंटरव्यू कब है, तो लोग आपको बताएंगे. सेम लाइक मैं भी वर्क इंटरव्यू से ही निकला हूँ. मैं हिरेन इंटरनेशनल में गया था तो वहाँ पर CV सबमिट किया तो उनका कॉल आया, देन इंटरव्यू हुआ तो वहीं से मैं भी निकला. इतना सब कुछ हो जाने के बाद STCW स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑफ वॉच कीपिंग STCW कोर्स करना पड़ता है. इसमें 5 अलग अलग कोर्सेस आते हैं STCW में, फायर फाइटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट एड किट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें देख सकते हो. STCW होने के बाद खुद एजेंसी वाले आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है. देन PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हो, अपने लोकल पुलिस स्टेशन से, नहीं तो पासपोर्ट ऑफिस से. मैंने पासपोर्ट ऑफिस से बनवाया था क्योंकि वहाँ पर ऑन द स्पॉट बन जाता है 5 मिनट में, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी पासपोर्ट ऑफिस से बनाएं. कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, तो सब कुछ चेक करती है कंपनी. PCC बन जाने के बाद ही मेडिकल होता है. देन मेडिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा आर्मी की तरह होता है, पूरा नेक्ट करते हैं लोग. तो मेडिकल में ECG, एक्सरे, आई टेस्ट, लेंथ, वेट, एवरीथिंग, मोस्टली सभी कुछ होता है उस पर. तो मोस्टली बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे पास कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है तो कंपनी मुझे हायर करेगी नहीं करेगी. अगर मैं बात करूँ रॉयल कैरिबियन की तो यहाँ पर मोस्टली मोटे तगड़े बहुत हैं, तो सभी लोग आते हैं यहाँ पर, तो एक कंपनी जहाँ तक हायर करती है. बट शायद कोई कोई कंपनी एक्सक्यूज भी करती होगी इसके लिए, कोई कोई कंपनी नहीं भी हायर करती है, बट रॉयल कैरिबियन मोस्टली सभी को हायर करती है. इसके मेडिकल हो जाने के बाद CDC, क्योंकि CDC से पहले मेडिकल होना बहुत जरूरी है. CDC कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. पहले CDC इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट अभी सारी कंपनियां CDC मांगती हैं क्योंकि क्रूज इंडस्ट्री है जो पूरे वर्ल्ड वाइड घूमती है, तो जितने भी कंट्री आती है वीज़ा होना बहुत कंपलसरी है. तो सिमेन के लिए फ़ायदा है, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, आपके पास CDC है सिमेन बुक,
तो आपको किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिमेन बुक के थ्रू पूरी वर्ल्ड वाइड घूम सकते हो, पूरे देश या दुनिया में कहीं भी घूम सकते हो आप। इसलिए CTC इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। सारी कंपनियों ने CTC अभी कंपलसरी कर दिया। CTC तभी बनेगा जब आपके पास STCW सर्टिफिकेट और इंडो सर्टिफिकेट रहेगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जो नेक्स्ट कॉल आता है कंपनी से, वो आता है C1D वीज़ा के लिए। तो C1D वीज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अभी जो C1D वीज़ा बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी C1D वीज़ा में जो 3 बार फेल हो गया तो चौथी बार वो इंटरव्यू नहीं दे सकता है, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग बाग जब C1D वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे तो आसानी से निकल जाता था। उसके बाद लोगों ने जंप मारना शुरू किया, जैसे जैसे US में आती थी, जैसे कोई उनका फ्रेंड होगा, कोई रिलेशनशिप, तो US में जंप मार देते थे, फिर वहीं पर काम करते थे तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। तो अभी पहले की तरह नहीं है, अभी बहुत स्ट्रिक हो गया। क्वेश्चन वैसे नॉर्मली बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछते। तो C1D वीजा के इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, मोस्टली कैसे क्रैक होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अभी अगर बात करें तो साउथ के पार्ट से कंपनियां बहुत कम हायर करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे साउथ के लोगों ने ज़्यादा जंप मारा था, क्योंकि ये बहुत साउथ के लोग कहते हैं, भी लोग बताते हैं जो भी क्रू मेंबर हैं, कि साउथ के लोगों ने बहुत जंप मारा उस टाइम पे। तो अभी कंपनी वहाँ से हायर नहीं करती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि C1D वीज़ा बहुत ध्यान से देना है, और जो वो पूछते हैं सामने से उनकी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि उनके और हमारी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर। बट बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। सो गाइस, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए क्रूज शिप ज्वाइन करने से पहले। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे से कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ चाओ फॉर नाउ। जय हिंद, जय भारत।